मेक श्योर sure आपने पहले चार सेशन देखे हों बेटा नहीं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है टर्मिनोलॉजी चाहिए बेसिक्स चाहिए नहीं तो कचरा हो जाएगा सब कुछ तो वापस जाओ फटाफट आज बैठ के सारे सेशन देखना आज स्पेशल क्लास नहीं रखी है मैंने क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक आज हम कवर करेंगे और यहीं पे मैं क्वेश्चंस करा दूंगी ठीक है वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी को लेके हम आगे चलेंगे जो बच्चे बिल्कुल नए हैं आई एम कोमल यादव एंड आई विल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आई प्लस कोर्स तो जो बच्चे 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पांच बजे रोज क्लासेस होती हैं प्लस पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका। यू कैन ज्वाइन मी देर सब्सक्रिप्शन लो और फटाफट आ जाओ बिल्कुल जस्ट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है मैंने लिविंग वर्ल्ड का पहला सेशन हुआ है कल से यू कैन ज्वाइन मी एंड अभी वाला सेशन फटाफट शेयर कर दो सो so दैट सारे बच्चे आ जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कितने लोग हैं इधर जल्दी जल्दी शेयर कीप शेयरिंग शेयर एंड क्विकली ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स अपने स्कूल के जितने बच्चे बच्चे हैं सबको बुलाओ शाबाश लेट्स गोगी नाउ पीडीएफ आज के सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा टेलीग्राम एक ऐप है डाउनलोड कर लो उस पर ये आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारे के सारे पीडीएफ हर सेशन के जाते हैं हर टीचर के जो अन अकेडमी पे अन अकेडमी नीट पर क्लास लेंगे ठीक है तो आज का ये पीडीएफ भी आपके पास होगा चलो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस ओके स्टार्ट करें आ गए सब कोई नहीं आए हैं बहुत अच्छी बात है लेट आओगे नहीं आएगा टॉपिक समझ में नॉर्मल क्लास जैसा हालत है चलो जी बेटा डाय हाइब्रिड क्रॉस मेंडल अंकल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों किया वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड इट डाई हाइब्रिड दो हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन हाइब्रिड क्रॉस दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है अब सुनो मेरी बात हाइब्रिड में यू हैव You are studying two, right? Studying two, दो characters at a time in an individual. एक character जब आप एक character बढ़ रहे थे तो हम mono hybrid बोल रहे थे, है ना? अब हम कितने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो यू कैन से अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वी आर स्टार्टिंग ठीक है अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जब आप पढ़ रहे हो यू आर स्टार्टिंग अबाउट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स अब कैरेक्टर सुन लो जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठेके? अभी डिस्कस करने वाले हैं मान लो ऐसा एक पेड़ लिया गया जिसमें सीड शेप क्या लिया गया सीड शेप और सीड कलर आपको अगर याद होगा तो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टार्टिंग में यह देखा था कि मेंडल अंकल स्टडीड सेवन कैरेक्टर्स सात कैरेक्टर्स पढ़े थे उन्होंने सीड कलर सीड शेप फ्लावर पोजीशन फ्लावर कलर पॉड कलर पॉड शेप एंड प्लांट हाइट ठीक है ये सात कैरेक्टर उन्होंने पढ़े मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो एक एक कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए किया उन्होंने वन बाय वन ईच एंड एवरी कैरेक्टर तो so, रेशियो आया थ्रीज टू वन दैट इज योर फिनोटिपिक रेशियो याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आया था फिनोटाइप का फीनोटिपिक रेशियो याद आया वॉट इज द फिनोटिपिक रेशियो गिवन बाइ मेंडल मतलब जो आया रिजल्ट आया दैट वॉज थ्रीज टू वन फीनोटिपिक रेशियो बढ़िया मोनोहाइब्रिड के लिए अब मेंडल अंकल के दिमाग में एक और आइडिया आया उन्होंने बोला कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं एक कैरेक्टर पढ़ रहा हूं ठीक है लेकिन अगर मैं दो कैरेक्टर पढूं एक साथ तो क्या एक कैरेक्टर का इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे आएगा मतलब क्या सीड शेप का इफेक्ट सीड कलर पे आएगा ऐसा कहीं कुछ हो रहा है कि सीड कलर अगर ग्रीन है तो सीड सिर्फ रिंकल हो सकता है या सीड कलर अगर येलो है तो आपका सीड सिर्फ राउंड होगा ऐसा कुछ तो नहीं है कहीं कहीं किसी एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कुछ आ, मतलब यू नो अटैचमेंट या वो तो नहीं है कि साथ जा रहे हूँ या हमेशा अलग ही जाते हूं ठीक है सो फर्स्ट रीजन वाई मेंडल कंडक्टेड डाई हाइब्रिड क्रॉस रीजन फॉर कंडक्टिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस वॉज वन टू चेक इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ऑन अनदर पहला पॉइंट तो ये है ये चेक करना कि कहीं एक कैरेक्टर का इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे तो नहीं आता है दूसरा और अगर नहीं आता है अगर कोई इफेक्ट नहीं आता है मतलब सीड कलर अपने हिसाब से जा रहा है सीड शेप अपने हिसाब से जा रहा है कोई एक दूसरे के साथ चिपका नहीं हुआ कोई एक दूसरे को इरिटेट नहीं कर रहा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो शुड बी regained. वापस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिल जाना चाहिए चेक ये करना था कि एक का इफेक्ट दूसरे पे आता है कि नहीं आता इनहेरिटेंस में ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन येलो के साथ ही जा ग्रीन राउंड के साथ ही जा रहा है और येलो रिंकल के साथ ही जा रहा है ऐसा तो नहीं है कोई कैरेक्टर साथ साथ तो नहीं चिपके हुए ठीक है और अगर नहीं जाता है अगर जाता है तो पता चल जाएगा कैसे पता चल जाएगा आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो अलग आएगा और अगर नहीं आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मुझे वापस मिलना चाहिए ठीक है तो उन्होंने पेरेंट्स लिए क्रॉस कराना शुरू किया फर्स्ट जनरेशन पेरेंट राउंड एंड येलो क्या मिला फिनोटाइप राउंड येलो को क्रॉस कराया विद रिंकल्ड एंड ग्रीन ये दोनों डोमिनेंट ये दोनों रिसेसर प्योर लाइन उठाई हमने पेरेंट में जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड में भी किया था मोनोहाइब्रिड में भी हमने कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी टॉल एंड ऑफ लिया प्योर लाइंस ली थी एकदम होमोजाइगस कंडीशन अब होमोजाइगस कंडीशन एक है जस्ट वन होमोजाइगस कुछ भी हेट्रोजाइगस नहीं है ना फॉर्मुला लगाओ टू रेस टू द पार एन ये बनाने के लिए टू रेस टू द पार एन हेट्रोजाइगस कंडीशन तो है नहीं तो टू रेस टू द पार जीरो टू रेस टू द पार जीरो इज वन तो ये सिर्फ एक टाइप के गेमीट्स बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई सिमिलरली ये भी सिर्फ एक ही टाइप के गेमिट्स बनाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई कोई और टाइप का गेमीट बनी नहीं सकता ना और आप किसी को छोड़ नहीं सकते आप गेमीट नहीं बना सकते हो कैपिटल आर कैपिटल आर गलत कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई गलत कैपिटल वाई कैपिटल वाई गलत दोनों में से कोई एक होगा लेकिन दोनों का कोई एक एक होगा ठीक है आई दर वन ऑफ देम नाउ नेक्स्ट एफ वन में इनके जमीज को हम फ्यूज करा देते हैं एफ वन जेनरेशन दैट इज फीलियल वन जनरेशन आपके पास आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइडिस फॉर बोथ दोनों कैरेक्टर हेट्रोसाइगिस कंडीशन में है ये बन गया डाय हाइब्रिड क्या बन गया ये हाइब्रिड। लेकिन फिनोटाइप क्या आएगा डोमिनेंट वाला राउंड और येलो कौन सा आएगा डोमिनेंट वाला कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई तो फिनोटाइप आया राउंड येलो Cool. यहां तक प्रॉब्लम नहीं है किसी को यहां तक क्लियर कमेंट सेक्शन क्विकली यहां तक क्लियर सबको है ना यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म ठीक है बढ़िया अब आ जाओ आगे इस लगाओ फॉर्मूला टू रेस टू दार एन एन की वैल्यू यहां है चार सॉरी टू मैं भी मैं भी तुम्हारे वाले काम करने लगी हूँ एन की वैल्यू है टू गेमीट्स बनेंगे चार तरीके के चार तरीके के गेमीट्स कौन से कौन से कैपिटल आर के साथ या तो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई हो सकता है स्मॉल आर के साथ या तो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई हो सकता है तो गेमिट्स की पॉसिबिलिटी कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा गेमीट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल Y चार गेमीट्स बन सकते हैं ये इसके अलावा नहीं बनेगा कुछ गलती कर रहे हो कुछ और बना दे रहे हो मैम देखो ये भी बनेगा मैम ये भी बनेगा वापस जाओ गेमीट जहां बनाना फॉर्मेशन सीखा था हाउ टू मेक गेमीट्स वो फोर मेथड से सेकेंड लेक्चर है शायद रेफर करो ठीक है इन चार के अलावा कोई गेमिट नहीं बनेगा और तो F1 के बाद जब आपको F2 चाहिए होता है तो आप क्या प्रोसेस कराते हो बेटा दिस गोज फॉर सेल्फिंग तो आपके पास बनते हैं मेल गेमिट्स फीमेल गेमिट्स फीमेल भी यही है मेल भी यही है तो मेल के गेमी फीमेल के गेमी क्या बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई सिमिलरली इधर भी यही चार गेमीट्स रहेंगे स्क्वायर भर रहे हैं ड्रॉ कर लिया ड्रॉ कर लिया जी यहां तक क्लियर है ना रेडी टू ड्रॉ द दन स्क्वायर कर दे फिल हाँ भाई मीनाक्षी बिजी है मानसी भी बिजी है कोई भी नहीं रिप्लाई कर रही तो पता है ना आधी लड़कियां यहां पे लड़के होंगे कमेंट सेक्शन में से कभी आ रहे हैं दिल मत लगा बैठना कहीं स्टार्ट फिलिंग द पनेट स्क्वायर इसमें और इसमें कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये इधर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है भर दोगे पूरा पनेट स्क्वायर कर दोगे फिल नंबर डाल दू बॉक्सेस को नंबर कर दे रही हूँ मैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक कर दो फिर फटाफट से इधर से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है इसको फिल कर लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर नहीं है स्मॉल आर स्मॉल आर है कर लिया फिल फटाफट से अपने 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 नोटबुक में कंप्लीट लो जी, हाउ इट विल लुक ठीक है अब जब मैं आपसे बॉक्स नंबर पूछू ना तो बस मुझे बॉक्स नंबर बता देना आगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आज की क्लास आखिरी है जो तुम्हें समझ आएगी अगर तुमने पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो इसके बाद नहीं समझ आएगा ठीक है तो मेक श्योर दैट प्रीवियस लेक्चर यू कवर चलिए अब आती है कहानी कुछ नेक्स्ट पेज पे आगे पीछे थोड़ा पेज पे मूव करेंगे अभी हम ठीक है बॉक्स नंबर वन देखो बॉक्स नंबर वन दिख रहा है क्या जीनो टाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ऐसे कितने हैं हमारे पास सिर्फ ये ओनली वन ठीक है इसको काटा लगा रही हूं वन नेक्स्ट सेकेंड बॉक्स कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने है? इस जीनो टाइप के कितने हैं बॉक्स नंबर टू एंड बॉक्स नंबर फाइव सो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने दो ये जीनो टाइप देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ऐसा किसी और बॉक्स में दिख रहा है थ्री वाला जो जीनोटाइप है ऐसा किसी और बॉक्स में दिख रहा है कोई और बॉक्स दिख रहा है जो सेम जीनोटाइप का हो बॉक्स नंबर बोलो बॉक्स नंबर बोलो जिसका जीनोटाइप टाइप थ्री से मैच करता हो थर्ड वाले से मैच करता हो गुड स्वरा यश गुड बेटा श्वेता वेरी गुड शाबाश नाइन्थ बॉक्स थर्ड और नाइन्थ वाला मैच करता है देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ऐसे भी दो हैं अगला ये बॉक्स अगलाइग फॉर बोथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कौन से कौन से बॉक्सेस हैं जिसमें ये जीनो टाइप दिख रहा है अरे क्या गिर गया ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें आपको फोर्थ बॉक्स वाले जैसा जीनो दिख रहा है और नंबर लिख दो जल्दी कमेंट सेक्शन में नंबर लिख दो जल्दी से गुड अनिकेत और किसका सही आया प्राची गुड गुड निल जो ये जीनो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे चार है चार सात दस तेरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने हुए चार नेक्स्ट स्पीड अप छठा डब्बा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है ना यही था ना नहीं कैपिटल आर कैपिटल आर था ऐसा सिर्फ एक है बॉक्स नंबर बॉक्स नंबर है बस एट को देखो एट जैसा कहीं और है एट जैसा कहीं और है एट से सिमिलर जीनोटाइप किसी और बॉक्स में दिख रहा है किसी को गुड एट से सिमिलर जीनोटाइप किसी और बॉक्स में दिख रहा है एनी अदर बॉक्स दैट यू सी द जीनो टाइप सिमिलर टू बॉक्स नंबर एट कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने हुए थे दो एक और ये एक है। बॉक्स नंबर इलेवन वाला सिर्फ एक स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल सिर्फ इसके जैसा ये बारह और पंद्रह डब्बा बॉक्स नंबर फिफ्टीन और ट्वेल्व और फिफ्टीन सेम जीनो टाइप स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो हैं और लास्ट बॉक्स स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई अब सिर्फ एक ये जीनोटाइप्स हैं आपके पास तो जीनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू फोर इज टू नहीं वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन लेकिन भूल जाओगे चार दिन बाद तो याद रखने के लिए हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो इज वन इज टू टू इज टू वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक जीनोटाइप का रेशियो उसका डबल कर दो टू इज टू फोर इज टू टू और फिर दोबारा वन इज टू टू इज टू वन जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाय हाइब्रिड क्रॉस इज दिस लेकिन मैम ये मोनोहाइब्रिड जैसा नहीं आया ठीक है दिमाग में आई ना ये चीज कि मैम ये तो मोनोहाइब्रिड जैसा नहीं आया आएगा वेट करो अब लुक एट दिस इसको पूरे को देखो ठीक है और अगर मैं इस पूरे के लिए कंप्लीट सेट इफ आई राइट कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश एक जनरल जीनो लिख देती हूं मैं अब इस डैश में डोमिनेंट एलील हो या रिसेसिव एलील हो क्या फर्क पड़ता है सारे के सारे राउंड और येलो आएंगे ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी राउंड एंड येलो फीनोटाइप क्या आएगा आप सोच के देखो एक डोमिनेंट r है एक डोमिनेंट y है तो इसका मतलब फीनोटाइप में तो राउंड और येलो ही दिखाई देगा आपको दिस इज मेंडेलियन जेनेटिक्स हम इनकंप्लीट कोडोमिनेंस ब्ला ब्ला ब्लू नहीं बात कर रहे मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जाओ देखो कैपिटल r होगा तो डजंट मैटर इधर कौन है राउंड आएगा सीड कैपिटल y होगा मैटर so दूसरा वाला कौन सा है येलो ही आएगा कलर सो so जनरल मैं क्या लिख देती हूं कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश राउंड एंड येलो टोटल कितने हैं एक दो तीन चार पांच पांच और चार नौ कितने हो गए टोटल नाइन कितने हो गए टोटल नाइन इसको देखो जनरल जीनोटाइप कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई स्मॉल वाई ठीक है दोनों में डैश में कुछ भी हो कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो आपके पास आने वाला है राउंड एंड ग्रीन और कितने आएंगे ऐसे दो और एक तीन अगले वाले में चेक करते हैं क्या स्मॉल स्मॉल स्मॉलर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल वाई कैपिटल वाई डैश कर दो अब इस डैश में डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव वो क्या फर्क पर पड़ता है फिनोटाइप क्या आएगा रिंकल्ड क्योंकि स्मॉल आर स्मॉलर आ गया रिसेसिव आ गया रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है रिंकल येलो कितने दो और एक अगला ये तो एक ही है तो इसके लिए जनरल जीनो टाइप भी नहीं लिखना ये यही है ठीक है तो ये इट इज आ गया आपके पास स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितने एक और जीनो टाइप फिनो मतलब दिखने में कैसा आएगा फिनो टाइप कैसा आएगा इसका रिंकल्ड ग्रीन कितने वन सो द दिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस नाइन टू थ्री टू थ्री टू वन अब पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं थोड़ा अब आया मस्त अब आया कंक्लूजन का टाइम ठीक है आप इंफ्रेंस निकालना रिजल्ट आ गया आपके पास आपके पास रेशियो आ गया नाइन थ्री थ्री वन क्या बता रहे गे देखो यू आर डन विद द रिजल्ट व्हाट वी डू व्हाट डू वी नीड नाउ उस रिजल्ट का मतलब तो जीनोटिपिक रेशियो ये है फिनोटिपिक रेशियो ये है पता चल गया वो। लेकिन इसका मतलब क्या है ठीक है मतलब क्या है देखो येलो और राउंड पेरेंट था हमारे पास येलो राउंड पेरेंट था रिंकल ग्रीन था एफ वन में भी येलो राउंड आया ठीक है येलो राउंड रिंकल्ड ग्रीन एफ वन ऑल्सो वी गॉट राउंड एंड येलो तो ये ठीक है राउंड येलो ये भी ठीक है रिंकल्ड ग्रीन लेकिन राउंड के साथ कभी ग्रीन नहीं आया था इससे पहले और रिंकल के साथ कभी येलो नहीं आया था गेटिंग माई पॉइंट क्या नहीं हुआ था इससे पहले तक क्या नहीं हुआ था बेटा इससे पहले तक राउंड के साथ ग्रीन नहीं आया ना ना पेरेंट जनरेशन में ना ना एफ वन जनरेशन में था ना ही रिंकल के साथ येलो आया ना एफ वन में था ना पेरेंट में था इसका मतलब ये नए बने हुए कॉम्बिनेशन हैं तो इन दोनों को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंस क्या बोलते हैं हम इन दोनों को दीज आर सेट टू बी एज नया कॉम्बिनेशन री कॉम्बिनेंस, जबकि राउंड और येलो वाला कॉम्बिनेशन आपके पास पहले था किस में था पेरेंट में था स्टार्टिंग से है हमारे पास तो इसको हम बोलते हैं पेरेंटल क्या बोलते हैं पेरेंटल ये भी पेरेंटल किसका नंबर ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है कि पेरेंटल ज्यादा है कॉमन सेक्शन कौन ज्यादा है रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा है कि पेरेंटल का टोटल नंबर ज्यादा है ऐड कर लो ना पेरेंटल है नौ और एक दस और रिकॉम्बिनेस है तीन और तीन छ किसका नंबर ज्यादा मिला हमें कौन से टाइप का फिनोटाइप ज्यादा दिखाई देगा पॉपुलेशन में पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट गुड मानसी वंश गुड बेटा पेरेंटल ये बॉटम लाइन नो भाई मैथ्स इतना तो बुरा मेरा भी नहीं है नौ और एक दस होता है तीन और तीन छ होता है और दस छ से बड़ा है नंबर ये जो रिकॉम्बिनेंट बोल रहा ना अपना अपने चमाट मारो एक मैं फिटाई कर दूंगी तुम्हारी तुम बारहवीं क्लास में हो गधे तो हो नहीं तुम तो। बस गधे होने की एक्टिंग जरूर कर सकते हो जो काफी अच्छी चल रही है आजकल तो नाइन प्लस वन, पेरेंटल ज्यादा ये चीज लिख लो बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट पेरेंटल इस टू रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कितना होता है टेन इज टू सिक्स एंड पेरेंटल विल ऑलवेज बी मोर देन रिकॉम्बिनेंट लिखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी मोर देन रिकॉम्बिनेंट इसका रीजन है इसका रीजन है मियोसिस में मिलेगा मियोसिस में काइज मैटर फॉर्मेशन होता है एक्स है ना नहीं भी होगा तब भी कोशिश क्या करता है प्लांट्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म सोचता है जो है वैसा रहने देना यार क्यों मेहनत करे क्यों इसको इसके साथ उसको उसके साथ ठीक ठीक है थीक है चांसेस ऑफ दिस इज अ लेस कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन अब मजा मजे की बात क्या ठीक है पहली बात तो हमें क्या चेक करना था डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कराया था मेंडल ने टू चेक द इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ऑन अनदर क्या डार्क क्या ग्रीन हमेशा रिंकल के साथ जाता है और राउंड हमेशा येलो के साथ जाता है तो वो ये रिकॉम्बेनेंस ने आके बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं है राउंड के साथ हमेशा येलो नहीं होगा और रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन नहीं होगा ये हमें रिकॉम्बेनेंस को देख के पता चल गया कि ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट नंबर वन सॉल्ट और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोला अंकल ने अगर ऐसा नहीं होता है अगर ये हमेशा साथ साथ नहीं जाते हैं तो मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस मिलना चाहिए ठीक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस मिलना चाहिए ना लाओ सीड कलर सीड कलर का रेशियो कैसे आना चाहिए आपके पास येलो इज टू ग्रीन ठीक है येलो वाले गिनो कितने कौन से कौन से येलो है गिनना जरा फिनो टाइप में येलो कौन सा दिख रहा है आपको हाउ मेनी ऑफ देम डू यू फाइंड येलो हाउ मेनी ऑफ दीज डू यू फाइंड येलो आंसर बारह मिले ये नौ और ये तीन बारह ग्रीन कितने दिख रहे हैं ये तीन और ये एक चार रेशियो देखो ट्वेल्व इज टू फोर इज थ्री इज टू वन आया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस आया दूसरा देखो दूसरा कैरेक्टर क्या था सीड कलर सीड कलर हो गया सीड शेप शेप इउंड इज रिंकल राउंड इज टू रिंकल राउंड कितने दिखाई दे रहे हैं ये वाला राउंड है और ये वाला राउंड है फिर से नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व रिंकल कौन सा कौन सा दिखाई दे रहा है तीन और ये एक चार थ्रीज टू वन आई गॉट माई मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो बैक इसका मतलब इनहेरिटेंस पे एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है आई बात समझ आई बात समझ लाइक शेयर सब्सक्राइब की रुक रहा है तुम लोगों का है, है? 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 आ गई प्रॉब्लम हो गई सॉल्व मेंडल अंकल की नो इश्यूज इश्यूर सॉर्टेड बढ़िया अंकल ने बोला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व तो लाओ एक एक दे दे जिसको बाद में आगे जाके दुनिया लॉ में बदल देगी कुछ बोले हम ऐसा मस्त कि आगे जाके वो लॉ बन जाए तो मेंडल अंकल ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ डाय हाइब्रिड क्रॉस रेशियो ही प्रपोज्ड The last law, or last postulate, which was change changed, and that was Mendel's law of independent assortment. The law states that when two pairs, two pairs of traits, are combined in a hybrid, segregation of one pair. Of 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 trait, of character, is independent of the other pair of character. Points ऑफ दिखकर याद करना points में लिखकर याद करना एक अगर कोई हम hybrid लेते हैं जिसमें हमने दो कैरेक्टर्स कंबाइन किए हुए हैं मतलब आप दो कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हो एट अ टाइम तो उसमें कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं लाएगा नाउ इज दिस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और एप्लीकेबल लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल आप सब जगह इसको नहीं चिपका सकते ठीक है एक्सेप्शन है इसका जाते हैं जीन्स आज चिपक चिपक के अगले जनरेशन में चिप्पू जींस सो एक्सेप्शन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट इज लिंकेज और सिर्फ और सिर्फ लिंकेज और कुछ भी नहीं अगले दो क्लासेस तक मैं लिंकेज नहीं पढ़ाऊंगी दो अलग टॉपिक पढ़ाऊंगी लिंकेज पे आने में टाइम है तब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक पागलों जैसे क्रॉसेस बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो दिमाग में अगर किसी के मेरे बोलते ही हेट्रोजाइगिस डोमिनेंट बोलते कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा इमेज नहीं बना कैपिटल ए स्मॉल ए जैसा इमेज नहीं बना मैंने पिटाई कर देनी है ठीक है गमीट बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हाइब्रिड क्रॉस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिफोर आई रीच लिंकेज वाला टॉपिक जिसमें पहुंचने में मुझे अभी तीन दिन और लगेंगे ठीक है तीन दिन के बाद आ जाएगा संडे तो आप लगा लो अगले हफ्ते ठीक है क्वेश्चन वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट फ्लॉर्ड प्लांट ऑफ एफ टू जेनरेशन फॉर्मिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पाइसम करो सॉल्व वाइट फ्लाट की पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आप पाइसम में यह क्रॉस कराते हो तो पाइसम में पहले तो यह समझो कि व्हाइट फ्लाट डोमिनट है कि रिसेसिव है बोलो वाइट फ्लावर इज रिसेसिव और चाहे ये बोल्ड डाई हाइब्रिड रहा है आपको लेकिन दूसरा कैरेक्टर देख आ रहा है कैरेक्टर ही एक दिया इसने आपको फ्लावर कलर और फ्लावर कलर में रिसेसिव पूछ लिया एफ वन में एफ टू में फ्लावर कलर का अगर एफ टू आप उठाते हो तो रेशियो क्या आता है थ्री इज टू वन विच इज वन बाय फोर चार में से एक ना तीन और एक चार होता है चार में से एक की प्रोबेबिलिटी आएगी क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है डाई हाइब्रिड क्रॉस की शक्ल में डाई हाइब्रिड क्रॉस की शक्ल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पहले तो मुझे आप लोग ये बताओगे कितनों के समझ में आया क्या हो रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑक्सफ्रिंग विद द फर्स्ट रिसेसिव रेस्ट हाइट्रोजाइगस फ्रॉम एफ टू जेनरेशन ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उसको बस अपने पास किसी सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करते जाना ठीक है आई एम गिविंग यू अ मिनट टू सॉल्व ठीक है टाइमर लगा के एक मिनट ले लो एक मिनट ज्यादा हो जाता है वैसे कोशिश कर लो आज प्रैक्टिस नहीं करा रही हूं इसकी थियरी देखना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच सेशन हो गए आज वो देखो आराम से बैठो टू एक्स की स्पीड पे चलाओ सारे सेशन देखो फटाफट से कल वी विल बी गोइंग फॉर दिस और दूसरा जो टॉपिक मैं कराऊंगी उसके क्वेश्चंस ठीक है हाँ अब देखो यहां पे क्या करना है यहां करना क्या है ये समझो वॉट इज दर्सेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल सी स्मॉल सी टेस्ट क्रॉस है मतलब दूसरा पेरेंट क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी ट्राई हाइब्रिड तो एक पेरेंट तो ट्राई हाईब्रिड है ये वाला और दूसरा पेरेंट टेस्ट क्रॉस के लिए है तो कंप्लीटली रिसेसिव होगा क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम बिल्कुल रिसेसिव से क्रॉस करा देते हैं अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को मैं क्रॉस करा देता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले वाले से तो क्या आएगा फर्स्ट विल बी रिसेसिव तो पहला वाला रिसेसिव आना चाहिए और दूसरे वाले हेट्रोजाइगर्स आने चाहिए ये आना चाहिए

सिर्फ बी लिखा होगा एक ही जगह लेकिन इसको हेट्रोजाइगस चाहिए तो पहले वाले दो देखो हाफ हाफ टू टू ऐसी इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव कितने बच्चों का सही आया किसी ने आंसर सही किया एनी वन गुड सुश्रुति गुड बेटा प्रोग्रामर गुड स्टेटस की दुनिया गुड अक्षता प्रसाद उज्जवल अनूप तनिका अनिकेत शाबाश परफेक्ट समझे घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उतना उतना करते चलो लाइन से आंसर आएगा बिल्कुल प्यार से आंसर आएगा शब्दों का मतलब जानते हो टर्म्स का मतलब जानते हो तो निकल जाएगा आंसर टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता भाई, डाई हाइब्रिड क्या होता है बाई डाई हाइब्रिड क्या होता है हमें कैसे पता ये डाई हाइब्रिड है क्यों हमने ये इसको डाई हाइब्रिड नहीं बोला क्या ये डाई हाइब्रिड है नहीं आप एक कैरेक्टर को लेते हो ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड है समझे बात टर्म्स क्लियर होंगे तो जेनेटिक्स क्लियर होगा क्या लगा इस क्वेश्चन में आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या लगा पहला पॉइंट लगा कि जो लिखा है मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। एंड द रीजन इज आई हैव टर्मिनोलॉजी दूसरा हर एक का क्या कराया हमने मोनोहाइब्रिड 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 क्रॉस कराया है हर एक के लिए है ना तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगा और टर्मिनोलॉजी लगी यही दो काम आती है ऑलमोस्ट पूरा जेनेटिक हो तो होगा क्वेश्चन को प्लीज खराब नहीं करोगे ठीक है और घबराओगे नहीं घबराने के चक्कर में मत गलत कराना आंसर नेक्स्ट आज सब्सक्रिप्शन का लास्ट डेट है ठीक है टुडे इज द लास्ट डे फॉर सब्सक्रिप्शंस तो ट्वेल्व प्लस

इसके लिए यहां पर नीचे कोमल लाइव कोड लगाना है के ओ एम ए एल एल आई वीई -E, लाइव कोमन लाइव कोड यू हैव तो टू यूज और पर मंथ इतना अराउंड मिलेगा इसमें भी टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कोर्स लेते हो उतना सस्ता पड़ता है गो हेड फॉर इट अगर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो कि नहीं मैम आई कैन नॉट अफोर्ड एट ऑल तो स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी हो रहे हैं एवरी संडे कहाँ लिखा है ये एवरी संडे इलेवन ए एम ठीक इस बार पेपर मैंने बनाया आसान पेपर है बहुत आसान पेपर है देखे आना कोमन लाइव के को ओ एम एल एल आई वी -E, लाइव सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तो जुड़ जाना मेरे साथ आई विल बी प्रोवाइडिंग हैंड रिटन नोट्स आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन और डाउट क्लियरिंग के लिए अलग ग्रुप ठीक है तो प्लस सब्सक्रिप्शन यूज ये ऐप डाउनलोड करना होगा और इस पे प्लस पे यहाँ पे आना होगा ये ठीक है ट्वेल्थ मे से दैट इज टूडे वी हैव स्टार्टेड विद लिविंग वर्ल्ड फाइव पी से स्टार्ट हो गया है इलेवेंथ के लिए फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए कॉमन बात चल रहा है तो बिल्कुल बेसिक से से पढ़ाई हो रही है प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक अगर कोई मेंटोर अलग से आपको चाहिए प्लानिंग गाइडिंग गाइडेंस के लिए तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो लेकिन अगर आप अपने आप वो चीज कर सकते हो तो नॉट एन इशू यू कैन जस्ट गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस ठीक है वहां क्योंकि आपको एक इंसान और मिल रहा है ना बेटा एक मेंटोर और मिल रहा है आपको प्लानिंग वगैरह के लिए एनालिसिस के लिए और सब कुछ के लिए ठीक है तो थोड़ा उनका एक ऑन प्राइस हो जाता है अदरवाइज इट्स द सेम। ओके। अनदर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और अ पी प्लांट हेट्रोजाइग फॉर सीड शेप एंड सीड कलर वॉज सेल्फ टोटल एट हंड्रेड सीड्स वर प्रोड्यूस्ड द नंबर ऑफ सीड्स विद बोथ होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट इज बोलो फिर से वन बाय वन जाना टॉपिक के लिए वन बाय वन वन बाय वन हेट्रोजाइगस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर सीड शेप क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर सीड कलर के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी आपने करा दी सेल्फिंग तो मतलब दूसरा पेड़ भी सेम है मतलब द सेकेंड वन इज ऑल्सो द सेम प्लांट ठीक है आठ सौ सीड आए है कितने चांसेस कि बोथ बोथ रिसेसिव बोत होम रिसेसिव होमोजाइगस होंगे इसको क्रॉस करो कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल आर स्मॉलर मोनोहाइब्रिड क्रॉस वन बाय फोर मोस आएंगे पूछा स्पेसिफिकली इन टू वन बाय फोर वन बाय सिक्सटीन वन बाय सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ एट हंड्रेड कितना आ जाता है ये फोर जाओ टू हंड्रेड फिफ्टी पचास पचास सीड्स होंगे कैसे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई वाले पचास सीड्स हो गए ठीक है आया आंसर गुड गुड स्टेटस की दुनिया और कोमल प्लीज चेक करना जाके दोबारा अब डाई हाइब्रिड में भी एक चीज देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एक और चीज देखो ये क्या आप मुझे बता सकते हो कितने ऐसे हैं जो दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हैं वर्ड पे जाना कितने ऐसे हैं इस पूरे सोलह के पनक स्क्वायर में जो दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हैं हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स कैन यू लुक एट दिस एंड लेट मी नो ये स्पेशल क्लास में लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था मैंने उसके बाद भी गलत कर रहे हैं बच्चे यहां है। देख रहे हो इसका मतलब या तो स्पेशल क्लास में नहीं थे या आज पहली बार आए हैं जो आज पहली बार आए हैं बेटा ध्यान से देख के आना ये देखो ये चारों हेट्रो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है मिली चार सात दस तेरा और दोनों होमोजाइगस हैं कितने ऐसे कितने हैं जो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन में है हाउ मेनी ऑफ दी सिक्सटीन आर होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स दोनों कंडीशन होमोजाइगस होनी चाहिए दोनों कैरेक्टर्स होमोजाइगस होने चाहिए कैन यू फाइंड इट कैन यू फाइंड इट होमोजाइगस फॉर बोथ दोबारा देखो बहुत सारे बच्चे दो बोल रहे हैं दो बोल है कोई एक बोल रहा है बहुत कम बच्चे हैं जो चार बोल रहे हैं मेरे को दिख रहा है कौन बच्चे चार बोल रहे हैं दोबारा देखो दोबारा देखो ये होमोजाइगस फॉर दोनों कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई होमोजाइगस फॉर बोथ मैंने रिसेसिव डोमेंट नहीं बोला मैंने होमोजाइगस बोला अब होमोजाइगर डोमिनट भी हो सकता है होमोजाइगस फॉर बोथ होमोजाइगस फॉर बोथ तो ये जा रहा है कितने चार डब्बा नंबर वन सिक्स इलेवन सिक्सटीन मिला मिल गया शाबाश गुड एक से एंड ऑफ द सेशन जल्दी से एनरोल कर लेना आज का बैच आई विल बी टेकिंग सेशन ऑन एन अकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड द गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ और कोड मत भूलना कोमन लाइव इसी को सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल मिल जाएगा सारे लिंक में वहां शेयर करती हूँ चांस कोई सेशन ढूंढ नहीं पा रहे हो और है उस दिन तो अपडेट हो जाएगा एक चीज का अनाउंसमेंट मुझे और करना था कल सुबह में नौ 9 नौ बजे नाइन ए एम सेशन होगा कल नाइन ए एम का सेशन इसलिए होगा कल क्योंकि थोड़ा सा नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए भी हो जाएगा बैच शुरू तो नौ बजे मंथन वाला बैच होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सेशन सो मेक श्योर दैट यू आर देर नाइन ए एम टूमोरो मैं आज मैं कल का प्लानर एट द रेट कोमल लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देती हूं ठीक है सी यू टुमोरो आज स्पेशल क्लास नहीं है कल करते हैं स्पेशल क्लास डाई हाइब्रिड और टू जीन इंटरेक्शन के एक साथ क्वेश्चन और यहां तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे एक साथ ठीक है चलो आई विल सी यू टुमोरो टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे सेफ I'll see you in class. Bye.